Hey guys, what's up? It's Afaq here. Welcome back again to the Ark Survival Evolved. तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि मैंने एक सार्को को टेम्प किया था. ऑलराइट, तो वो पीछे की तरफ सार्को है. लेट्स गो. ऑलराइट, तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने इस सार्को को टेम्प किया था. तो ये बेसिकली एक पानी में रहने वाला जीव है, तो इसे तो हम ऐसे ज़मीन पर नहीं रख सकते क्योंकि ये ज़्यादा दिन जाएगा नहीं. ऑलराइट, तो इन्होंने एक एग भी दिया है. इसको मैं उठा लेता हूँ. अबे भाई, इसका 2.3% हेल्थ बचा है. ले जाके जल्दी से मुझे कहीं कहीं स्टोर करना होगा, नहीं तो ये डेथ कर जाएंगे. ऑलराइट, तो इधर भी मेरे तो ये है, इधर भी मैं स्टोर कर सकता हूँ. ऑलराइट, इसमें रख देते हैं. लेट्स गो. इसमें मैंने एक को रख दिया है और अभी भी ये टेमिंग कर रहे हैं, मतलब कि और सारे एक मुझे दे सकते हैं और ये. ऑलराइट, तो मैं क्या बोल रहा था कि इसके लिए हमें एक अलग घर बनाना होगा जो कि इस अंडर वाटर में होगा. इस वाटर में हम इसके लिए एक अलग सा मतलब घर बनाने वाले हैं, पेन बनाने वाले हैं. तो हम सिर्फ एक के लिए नहीं बना रहे हैं, हम एक से ज़्यादा मतलब दो और तीन भी इन फ्यूचर ला सकते हैं. ये घुसने क्यों नहीं दे रहा है. ऑलराइट, तो दो और तीन भी इन फ्यूचर हम जीव मतलब कि पानी में रहने वाले जैसे शार्क हो गया और किसी चीज़ को हम टेम कर सकते हैं, तो उन्हें तो हम यहाँ पर नहीं ला के रख सकते ना अंदर. इसलिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसके अंदर वाटर ही इसके लिए हमें कुछ बिल्ड करना होगा, जो कि हम अपने बेस के आसपास ही बिल्ड करेंगे. बेस के सामने तो बिल्ड नहीं करेंगे, लेकिन बेस के आसपास ही बिल्ड करेंगे. ऑलराइट, तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ बिल्ड कर सकते हैं क्या. यहाँ हम लोग आसानी से बिल्ड कर सकते हैं. यहाँ पे हमारा एक पेन होगा और दूसरा पेन यहाँ से स्टार्ट होगा, जो कि यहाँ ठीक सामने तक जाएगा. ऑलराइट, तो मैंने इसके लिए स्ट्रक्चर भी सोच लिया है और कैसे बनेगा ये भी सोच लिया है. सबसे पहले हम अपने पेट्राडॉन को उठाते हैं और इसमें कुछ सामान मैंने इकट्ठा करके रखा था, रिसोर्सेज, जिसे कि हमें बनाना होगा. तो ऑलराइट, तो इसमें हम ले लेते हैं. तो इतना तो नहीं हो सकता है, तो हम स्प्लिट स्टैक कर लेने वाले हैं अभी हाफ का. और इसमें हम अभी 50 है और इसमें स्टोन भी निकाल कर जो हमने रखा था वो रख दिया. अभी भी हाफ का 25. ऑलराइट, तो हम 25 लेके तो मूव कर सकते हैं. लेट्स गो, हम 25 लेके मूव कर सकते हैं. तो अभी हम सबसे पहले इसका जो ये है वो हम लगाना स्टार्ट करते हैं. ये गेट को बंद कर देते हैं. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लगाना होगा जो मेरा वो है. ऑलराइट, तो मुझे भूख भी लग रही है अभी. लेट्स गो, भूख भी हो गया. अभी हम लोग यहाँ से हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं अपने फाउंडेशन को. ठीक, यहाँ से मेरा बेस बनने वाला है. ये वाला मतलब बेस नहीं, एक तरह से जो ये हो गया. लेट्स गो. तो मतलब हमने अभी यहाँ पे जो है 15 जो होता है हमने फाउंडेशन यहाँ पे लगा दी है. मतलब कि ये बेसिकली मेरा जो ये पेन बन रहा है ये पानी में रहने वाले जानवरों के लिए ही स्पेशली बन रहा है. ऑलराइट, तो सबसे पहले अब हम जा रहे हैं सेलिंग लेके आने. मैं क्या सोच रहा कि मतलब मुझे जितना भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है सब मैं इधर को ला के रख लेता हूँ. सेलिंग के तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है. ऑलराइट, तो अभी हमने फाउंडेशन तो लगा दिया है. अभी हम क्या करने वाले हैं कि फाउंडेशन इसमें रख देते हैं, सेलिंग अपना उठा लेते हैं और इसके अंदर रख सकते हैं क्या. ऑलराइट, तो अपना ये कहाँ गया, सेलिंग इधर आ गया. मुझे 50 सेलिंग लगेंगे, 50 से ज़्यादा नहीं लगेंगे. तो इसका स्टैक हाफ कर लेते हैं और 47 वाला स्टैक अपने पास रख लेते हैं एक्सेस इन्वेंटरी. और इसमें हम 47 ये रख देने वाले हैं. लेट्स गो. और मुझे पिलर्स भी लगेंगे, तो पिलर्स भी मैं ले लेता हूँ. 50 पिलर्स भी ले लेता हूँ क्योंकि 50 पिलर्स भी मुझे लग सकते हैं. ऑलराइट, एक्सेस इन्वेंटरी इसके अंदर रख देते हैं. और ये सब जिसके जो इसके अंदर फालतू का पड़ा है वो सब हम निकाल लेने वाले हैं. इसका काफ़ी ज़्यादा इन फ्यूचर काम आ जाएगा. लेट्स गो, हो गया सब. और इसके अंदर हम सब रख देंगे अभी. ये ऑलराइट, तब चलते हैं. पिलर इसके अंदर होगा क्या. ऑलराइट, इसके इन्वेंटरी कर लेते हैं. ऑलराइट, इसके अंदर पिलर भी पड़ा हुआ है. और हम अरे ब्रो, ये तो चल ही नहीं रहा, यानी कि इसके अंदर भी चलने का जो हिम्मत है वो नहीं बचा. ऑलराइट, हम इसका वेट बढ़ा देंगे तो चलेगा क्या ये. लेट्स गो, फिर भी ये नहीं चल पा रहा. आई थिंक इसका वेट जो है इसके अंदर हमने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया. इसका बिहेवियर से हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर हमने कितना वेट ज़्यादा डाली है.
नो ब्रो, वेट तो ठीक है इसका 525, इसका वेट जैसे चाहिए 609 और है 545, तो ये तो चलना चाहिए, लेकिन ये हिल भी नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। अबे चलना, ये हिल भी नहीं रहा है, लेट्स गो। तो इसके अंदर से अभी क्या करने वाले हैं कि अभी जो इन्वेंट्री है वो आधा आधा से ज़्यादा हम लोग खाली कर देने वाले हैं। जैसे कि 50 पिलर्स है इसमें, 25 पिलर ही लेके जाने वाले हैं, स्प्लिट स्टैक 25 पिलर ही लेके जाने वाले हैं, तब ये चल पाता है कि नहीं देखते हैं। उसके बाद से इसका हमें कुछ करना होगा। हाँ ऑल राइट, तो अब चल रहा है लेकिन काफ़ी धीरे चल रहा है, मतलब कि वजन ही ज़्यादा हो गया इसके अंदर। लेट्स गो, इसको मैंने इसीलिए अटेम्प्ट किया था ताकि कि ये दोनों अभी यहाँ पे अंडे दे रहे हैं, ताकि हम इनके जैसे और ज़्यादा रैप्टर आर्मी बना सके। लेट्स गो, ऑल राइट। तो यहाँ उतर जाते हैं और एक्सेस इन्वेंट्री, इसके अंदर से जो सेलिंग है वो हम अभी निकाल लेने वाले हैं, आधा आधा, और 23 निकाल लेते हैं और चलते हैं, लगाना स्टार्ट करते हैं इधर से। ये रहा, ये यहाँ पे हमको लगाना कितना है, 15 सेलिंग भी लगाना है हमको यहाँ पे। पंद्रह सेलिंग भी इधर को लग गया है, और कितना मुझे यहाँ पे सेलिंग लगाना है, आई थिंक मुझे और यहाँ पे 15 सेलिंग लगाना है, तो अभी मेरे पे 8 ही बचा है और इसके अंदर से निकालना पड़ेगा एक। अंदर भी जैसे कि ये जो मेरा सेलिंग वाला काम था वो तो अभी कंप्लीट हो चुका है, अभी और साथ और ज़्यादा मुझे यहाँ पे लगाने का ज़रूरत है एक्सेस इन्वेंट्री और सेलिंग। ऑल राइट, तो सेलिंग मेरे अंदर ही सारा सेलिंग है, तो अभी हम यहाँ पे लगाना स्टार्ट करते हैं जितना भी है। अभी यहाँ पे 1-2 हो गया है, अभी टोटल यहाँ पे अभी हमें अभी यहाँ तक 6 सेलिंग तक हमें जाना है और। लेट्स गो, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, आई थिंक यहाँ पे हमें पिलर लगाने की ज़रूरत है तभी ये हो पाएगा। इससे पंगे लेके देखते हैं ये क्या करता है, कुछ तो है। ऑल राइट, अभी हम अपना जरा ट्रेंग एरो लेके आते हैं और देखते हैं इसको टेम कर पाते क्या। ऑलराइट, तो अभी हमने यहाँ पे जो 6 का बेस था वो हमने बना लिया है, अभी इसके आगे भी हम 6-6 का बेस बनाने वाले हैं यहाँ तक को। एक और यहाँ पे पेट्राडोन है, ये कितना लेवल का है, 2 लेवल का है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पे 1500 लेवल का पड़ा हुआ है। ऑलराइट, तो और अभी हम यहाँ पे 6-6 का जो ये था पिलर था वो हम लगा के और इधर को हम बनाने वाले हैं, ताकि समझ रहे हो दिक्कत ना हो। ऑल राइट, तो अभी हम यहाँ पे और बनाते हैं और फिर मिलते हैं। ऑल राइट, तो और बढ़ा के मिलते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मेरा फेस कैम भी बार बार फ्रीज कर जा रहा है, इसलिए अभी हम बना के और ये चारों बगल 6-6 बना के उसके बाद से मिलते हैं। ऑल राइट गाइस, तो काफ़ी समय लगभग 1 से 2 घंटा IRL मेहनत करने के बाद और 3 Arknight मेहनत करने के बाद से मैंने ये प्लेटफॉर्म फाइनली बना लिया है, और इसे बनाना भाई काफ़ी हार्ड है, इस पिलर को लगाना तो खास करके, और इधर कौन है ये भी। ऑल राइट, इस ये पिलर को तो खास करके बार बार, मतलब जो वो ऑक्सीजन का ये होता है, लेवल कम हो जाता है, कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी प्रॉपर नहीं लग पाता है क्योंकि अंदर विजुअल्स ठीक से नहीं होते हैं। तो मुझे लगाने में तो ये मतलब कि मेरा पूरा रिकॉर्डिंग, जितना भी रिकॉर्डिंग टाइम था वो पूरा जा चुका है, तो मैं इसे यहीं तक छोड़ के और अब अगले एपिसोड में पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भाई बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है
और मेरे पास अभी तो उतना टाइम है नहीं, क्योंकि रीडिंग भी करना है फिर अपलोड करना है। ऑल राइट, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुआ है, तो इसमें मैं 20 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ। होप आप सब करा देंगे। थैंक यू फॉर